हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल जेटिस हेल्प में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 6 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम आज का जो हमारे जितने 35 क्वेश्चन हैं वो हम पूरा कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन ब्राह्म मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी का उदाहरण है, यानी जो हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी, जो वो कौन सी मेमोरी होती है वो, तो वो आपकी कौन कौन सी होगी? आपकी एक तो होगी पेन ड्राइव। ठीक है, कौन सी होगी दोस्तों? पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी, स्मार्ट मीडिया कार्ड, एसडी कार्ड। एसडी कार्ड को बोलते हैं मिनी एसडी कार्ड भी बोलते हैं, और माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हैं, यानी इसके अंदर होगा आपके सभी। अगर ये नाम मिल जाए आपको, एक्सटर्नल मेमोरी या बाहरी मेमोरी का उदाहरण है, तो आपके कौन से होंगे? इसके अंदर सारे होंगे, यानी पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, स्टार्ट मीडिया मीडिया कार्ड है, और एसडी कार्ड, यानी इसके अंदर सभी होंगे। आगे वाले क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन सा कथन प्रोसेसर से संबंधित है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोसेसर? देखो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर होता है आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है, जो आपके पूरे के पूरे सीपीयू या आपके पूरे कंप्यूटर को एकदम संचालित करता है उसको, यानी कंट्रोल करता है। तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है। तो यहाँ पे देखो एक अलग क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोसेसर किस वर्क का बना होता है, तो वहाँ पर आपको लिखना है सिलिकॉन वर्क का। किसका? सिलिकॉन वर्क का। ठीक है, बाद आपको पूछ ले कि कुछ तीन प्रोसेसर कंपनियों के नाम या तीन प्रोसेसर के नाम पूछ ले, कौन कौन से है? तो तीन प्रोसेसर के नाम कौन कौन से होंगे? पेंटियम हो गया, इंटेल कोर हो गया। इंटेल कोर के अंदर कौन कौन से? i3, i5, i7 जनरेशन। ठीक है, जियोन और स्पार्क। ठीक है, तीन प्रोसेसर के नाम। एक सिलिकॉन लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, जो आपके एक प्रोसेसर होता है ना, उसके अंदर अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर में ये क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से देखो कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के अंदर बने थे, तो कौन सी के अंदर? दूसरी पीढ़ी के अंदर बने थे। कौन सी के अंदर? दूसरी पीढ़ी के अंदर बने थे ट्रांजिस्टरों का आविष्कार। और किसने किया था? बेल लेबोरेटरीज ने। बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। तो इसके अंदर आपको ऊपर को सभी होगा। तीसरा देखो, निम्न में कौन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। हार्डवेयर मतलब बोले तो कि उसका डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम का पूछ रहा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या हो गया? आपके इनपुट और आउटपुट, ये किसके अंदर होता है? आपके सीपीयू के अंदर होता है। प्रिंटर और स्कैनर, ये आपके इसके अंदर नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता है? सीपीयू के अंदर प्रिंटर और स्कैनर नहीं होता है, ये अलग से आपको अटैच करने पड़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये आपको किसके अंदर मिलेगी? सीपीयू के अंदर मिलेगी। प्रोसेसर, अभी क्वेश्चन आया था प्रोसेसर, तो प्रोसेसर किसके अंदर था? सीपीयू के अंदर होता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रिंटर और स्कैनर। यहाँ पे क्या पूछा है इसने? निम्न में कौन कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का होना चाहिए और हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो आपके प्रिंटर और जो स्कैनर है उसको आपको अलग से डिवाइस लाना पड़ता है वो, और बाद में आपको कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ता है, तब आप प्रिंट निकाल सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन, डिजिटल कैमरा MP3 MP4 में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जब आप मान लो आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी है, उसको उसके अंदर कौन से गाने होते हैं? उसके होते हैं MP3 या MP4। तो उसके अंदर कौन सी मेमोरी काम में ली जाती है? उसके अंदर ले जाती है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी होती है, या आपके अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर लगी होती है। क्वेश्चन पूछ ले कि अर्ध कंडक्टर कौन सी मेमोरी होती है? याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अर्ध कंडक्टर कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ में लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी है? अर्ध कंडक्टर मेमोरी है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, यह आपके सीपीयू के अंदर लगता है, तो इसके अंदर क्या होगा? फ्लैश मेमोरी होगा, जो हम मेमोरी बोलते हैं जिसको, या मिनी कार्ड बोलते हैं या माइक्रो कार्ड बोलते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये देखो, आप पूरा कोर्स कर लेते हो उसके बावजूद भी आपको नहीं पता होता है कि 0 और जो 9 की जो बटन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। क्लिक
क्या बोलते हैं न्यूमेरिक की। आपने कीबोर्ड के अंदर शायद यह बटन देखा होगा, NUM नाम लिखा हुआ साइड में, ठीक है, और बाद में लिखा होता है 0 से 9 तक जो संख्या होती है वो पूरी लिखी हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं न्यूमेरिक की बोलती हैं। ये है जो आपके एक नंबर फंक्शन की, ठीक है, ये कौन सी होती है आपके फंक्शन की, कौन सी होगी फंक्शन की, होगी आपके F1 से F12 तक, कौन सी होगी F1 से F12 जो की होती है उसको क्या बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। याद रखना एक ही क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन बन गए आपके। देखो फंक्शन की कौन सी होती है F1 से F12, ठीक है, बाद में न्यूमेरिक की कौन सी होती है जो नंबर लोग लगाए हुए होते हैं उनको बोलते हैं न्यूमेरिक की, जो 0 से 9 तक होती है, ठीक है। टाइपराइटर जो हम टाइपिंग करते हैं A से Z तक, कौन सी A से Z तक, ठीक है, A से Z तक। स्पेशल पर्पज कुंजी जिसको लिए हम स्पेशल के लिए यूज़ करते हैं, मान लो कंट्रोल हो गया, एल्ट हो गया, या आपके शिफ्ट हो गया, तो ये जो की है ये आपके स्पेशल पर्पज कुंजी के लिए काम में, यानी स्पेशल कुछ करने के लिए आपके काम में ली जाती है, ठीक है। इनको कॉम्बिनेशन कुंजी भी बोलते हैं, कंट्रोल और जो एल्ट की है इनको क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन कुंजी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारी क्वेश्चन याद करा रहा हूँ, तो आप ध्यान में रखना या आप नोट्स बना लेना साथ साथ में। 6 तारीख को होने वाले एग्जाम के अंदर आप यहीं से भी बना सकते हो, 80% से ऊपर ऊपर। यहाँ पे देखो टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के लिए डॉट डॉट उपयोग किया जाता है, टास्क मैनेजर, तो उसके लिए कमांड पूछ ली है कौन सी है, Ctrl+Alt+Delete, तो यहाँ पे ये दोनों कौन सी की हो गई, ये कॉम्बिनेशन कुंजी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कमांड देगा टास्क मैनेजर, आप कोई भी टास्क स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एक्सेस, उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी ये Ctrl+Alt+Delete, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, Windows 10 में सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट यूजर अकाउंट बैकग्राउंड व थीम्स बदलना आदि के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो आप Windows 10 के अंदर है, ठीक है, तो Windows 10 के अंदर आपको क्या है, क्या बोल रहा है, फ़ोन के अंदर आपको सेटिंग चेंज करनी होती है तो आप किसके अंदर जाते हो, फ़ोन की जो सेटिंग वाला एक आइकन होता है उस पर जाते हो, वैसे ही आप कंप्यूटर में कि कहाँ पे जाते हो, विंडो 10 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो उसके आपको मान लो बैकग्राउंड थीम बदलना, यूज़र अकाउंट बनाना, नेटवर्क और इंटरनेट, वो आपको किसके अंदर मिलेगा, कंट्रोल पैनल के अंदर मिलेगा, किसके अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल पैनल आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, क्या हो गया, कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप इसके डेस्कटॉप पे जाते हो कंप्यूटर को स्टार्ट करते, तो डेस्कटॉप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कंट्रोल का नाम मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा कंट्रोल पैनल, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपको क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी अगर एप्लीकेशन देखना हो तो आपको वहाँ पर मिल जाता है। निम्न में कौन विंडो 10 का एक प्रशासनिक टूल नहीं है, विंडो 10 का पूछ रहा है, क्या नहीं है, टूल नहीं है, क्या नहीं है उसका, टूल नहीं है विंडो 10 का, तो उसका क्या होगा, डिस्क क्लीनअप होगा, क्योंकि विंडो 10 के अंदर आपको डिस्क क्लीनअप पे यानी उसको साफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। फोन के अंदर तो हमको क्या मिल जाता है, क्लियर का मिल जाता है, क्लियर या क्लीन का, ठीक है, यानी साफ करने का फोन को, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, और आपको ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा डिस्क क्लीनअप, ये ODBCA ये आपको मिल जाता है, विंडो फायरवेल भी मिल जाता है, कोर्टाना भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बन गया कि कोर्टाना को किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किसकी तरह, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्च बॉक्स। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर और बन गया कि सर्च कोर्टाना को किसकी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बोले तो एक नंबर, कोर्टाना को किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पे देखो IP एड्रेस एक ऐसी संख्या है जो इंटरनेट का पता होती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लो आपका घर का जो मेन स्थाई एड्रेस है तो वो क्या है, एक है
आईपी एड्रेस है उस स्थान का जहां पे आप रहते हो, तो वो आपका आईपी एड्रेस है। किसी को पता नहीं है कि आपका होम कहां पर है, सिर्फ आपका नाम पता है, तो वो आपको नहीं ढूंढ सकता, ठीक है? आपको मतलब आपको नहीं खोज सकता वो। और उस अगर उसको पता है कि आपका नाम यह है, आपके पापा का नाम यह है, आपका स्थान वहां है, तो उसको क्या है कि आपका आईपी एड्रेस पूरा का पूरा मालूम है, तो आपको वो खोज सकता है आपको पूरी डिटेल, ठीक है? तो ये एक सही बात है। आईपी पैकेट के हेडर का न्यूनतम आकार 20 बिट का होता है। यहाँ पे भी इसने सही बात बोलती, जो आपके होता है आईपी पैकेट होता है, ठीक है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का पूरा नाम क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? हेडर का न्यूनतम आकार कितना होता है, आपको पूछ ले कि आईपी पैकेट हेडर का आकार कितना बिट होता है, तो 20 बिट होता है। तो यहाँ पे देखो, तीन क्वेश्चन मैंने याद करवा दिया आपको, तीन क्वेश्चन, ठीक है? आईपी का पूरा नाम, आईपी पैकेट के हेडर का न्यूनतम आकार कितना होता है, 20 बिट का होता है, ठीक है? इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंटरनेट सर्वर से, मान लो आप किसी से दुकानदार के पास गए, आप दुकानदार से आपने सामान लिया, ठीक है? मान लो आपने एक मोबाइल ले लिया, तो आप उस शॉप के क्या हो, एक क्लाइंट हो, ठीक है? उस शॉप वाले का आप क्या हो गए, एक क्लाइंट हो गए। तो वो सेम बात यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है, ठीक है? तो इसकी तीनों बातें सही है। कौन सी? तीनों जो भी इसने बातें बोली है सही है, यानी उपरोक्त सभी सत्य कथन है, ध्यान में रखना ये सारी की सारी बातें। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो। डॉट डॉट एक मुक्त विश्वकोश है जिसे लोगों द्वारा सहयोगात्मक रूप में लिखा गया है। ये देखो, इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसका होगा करेक्ट आंसर विकिपीडी और विकी। ये क्या है, आपके जो लेखक होते हैं ना, लेखक, ठीक है? वो अगर कोई अपनी कहानी या कुछ लेख या निबंध कुछ वगैरह लिखते हैं ना, तो उनकी ये वेबसाइट है विकिपीडी, वहाँ पे ये उनको अपलोड कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ मिस्टेक भी होती है, मान लो कुछ मिस्टेक है, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो लेखक होते हैं वो वहाँ पे उनकी मिस्टेक के अंदर सुधार कर रहे हैं लगातार, ठीक है? तो ये आपके इसके अंदर होगा, यानी ए और बे दोनों, ठीक है दोस्तों? तो आगे वाला क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन ईमेल जो आपके होता है एड्रेस का सही उदाहरण नहीं है, जो आपका ईमेल एड्रेस है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हम कि ईमेल है, तो हमारी एक ईमेल किस प्रकार से बन के तैयार होती है, तो उसके अंदर आप देख के बता दोगे कि सीधा कि इसके अंदर एट द रेट नहीं है। क्या नहीं है? एट द रेट किसको बोलते हैं? एट द रेट जो ए बना हुआ था, ए के ऊपर से इस प्रकार से आकार दिया होता है, उसको बोलते हैं एट द रेट, ठीक है? तो आपको ये वाला ऑप्शन आपके किसके अंदर नहीं है, बी के अंदर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। जीमेल में नहीं ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जीमेल में आपको अगर नई ईमेल भेजनी हो, ठीक है, आपको किसी जीमेल के थ्रू, तो वो किसके थ्रू भेजी जाती है? कंपोज के द्वारा भेजी जाती है। जैसे आप जीमेल पे जाते हो, जीमेल में थ्री डॉट बने होते हैं इस प्रकार से, इस पर क्लिक करते हो जैसे ही आप, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू मेल का मिल जाता है, सेंड का मिल जाता है, कंपोज का भी मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो आपको किसके अंदर जाना पड़ता है? आपको कंपोज के अंदर जाना पड़ता है। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लेना। जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कंपोज का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों? अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट के अंदर बताना कि क्वेश्चन नंबर 12 और जो भी आपको उसके अंदर, या कोई जो ए बी सी डी है इनके अंदर आपको कुछ अगर लगे कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कमेंट करना, मैं आपको कमेंट के अंदर उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों? आगे वाला क्वेश्चन देखो। निम्न में कौन ईमेल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? हमको अब ये तो होना चाहिए ना कि जो हमको ईमेल है वो हमको उसका प्लेटफॉर्म है वो कौन प्रदान करता है, कौन देता है वो हमको, ठीक है? तो वो कौन देता है हमको? जीमेल देता है, याहू मेल देता है, हॉटमेल और आउटलुक देता है, ठीक है? यानी उपरोक्त सभी देते हैं हमको, ये चीज़ ध्यान में रखना। यानी जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया, ठीक है? यानी उपरोक्त सभी,
उपरोक्त सभी के द्वारा हमको क्या मिलता है, प्लेटफार्म प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी उसकी सेवाएं जो भी मिलती हैं हमको वो उनके द्वारा प्रदान की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन, एक ईमेल एड्रेस में एट द रेट चिन्ह के बाद के भाग को डोमेन के नाम से जाना जाता है, एट द रेट चिन्ह के पहले के नाम को क्या कहते हैं। आप मान लो ईमेल बना ली, ठीक है, कैसे मान लो ये आपने ईमेल बना लिया, ठीक है दोस्तों, तो एट द रेट चिन्ह के पहले, तो पहला कौन सा हो गया, ए बी सी हो गया, कौन सा हो गया, ए बी सी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों हम क्या बोलेंगे, मेल बॉक्स का नाम या यूजर आईडी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, या तो बोलेंगे मेल बॉक्स का नाम या बोलेंगे यूजर आईडी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन डिजिटल हस्ताक्षर प्रदाता यानी प्रमाणित संस्था है, संस्था पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको डिजिटल हस्ताक्षर होता है ना वो होता है एक तो वेरी साइन, एक इच्चो साइन, ठीक है, ये किसके अंदर मिलता है आपको, एक तो मिलता है ई वॉलेट के अंदर, एक राज ई वॉलेट के अंदर, इसके अंदर आपको क्या होगा, इनके अंदर आपका वर्णन किया जाता है डिजिटल हस्ताक्षर का। ये हस्ताक्षर अगर आपने एक बार कर दिया तो उसको आप कॉपी करके पेस्ट दूसरी जगह नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। यहाँ पे देखो, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए एक के लिए यूनिक डिजिटल आईडी होनी चाहिए। अगर आपको डिजिटल हस्ताक्षर करना है तो आपके पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, यानी खुद की आईडी होनी चाहिए प्राइवेट, जिसे ऐसे प्रोग्राम के साथ पंजीकृत किया जाता है जो डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करता है। तो किसके साथ किया जाता है, ई वॉलेट के साथ या ई राज ई वॉलेट के साथ। तो आगे वाला क्वेश्चन, इसी अंदर निम्न में कौन सा प्रोग्राम डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये अभ्यसदय के अंदर पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम है वो आपके डिजिटल, जो भी आपके डिजिटल हस्ताक्षर है उसको सपोर्ट करता है, तो वो आपके क्या होगा, यहाँ पे ओडिब, माइक्रोसॉफ्ट वेब, ये आपके तीनों क्या करते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करते हैं, तो ये आपको तीनों के तीनों याद रखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों के तीनों याद रख लेना ये, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। देखो पहले तो आपने देखा था सत्य, अब देखना है आपको असत्य, ठीक है, तो यहां पे देखो आपको असत्य कोई कौन कौन से देखने होंगे, ये लो पहला देखो पॉइंट है, डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की और प्राइवेट की शामिल होती है, असत्य ढूंढना है, सत्य नहीं ढूंढना है, ठीक है, तो इसके अंदर ये इसके की बात सही है, ठीक है, क्योंकि ये असत्य नहीं है, सत्य है ये बात। प्राइवेट की का उपयोग हस्ताक्षर के लिए किया जाता है जबकि पब्लिक की को कोई फाइल, सॉरी पब्लिक की को फाइल के साथ भेजा जाता है, जो आपके प्राइवेट की का जो उपयोग होता है ना हस्ताक्षर के लिए किया जाता है, प्राइवेट जो कुंजी होती है यानी बटन होता है, जो पब्लिक की होती है ना उसके लिए फाइल के साथ भेजा जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या होगा, डिजिटल हस्ताक्षर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये बात गलत है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जो आपके डिजिटल हस्ताक्षर है वो आपने एक बार कर दिया, उसके बाद दोबारा आप उसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका ये क्या है, कथन है गलत है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि पेस्ट भी कर सकते हैं, तो इसका रोंग कौन सा हो गया, आपके सी हो गया। आगे वाला, डिजिटल की में इनक्रिप्टेड कोड होता है जिसे हैज भी कहा जाता है, कौन सा हैज, ये वाला एक सीडी का आकार होता है उसको बोलते हैं, जो आपकी पहचान और प्रमाणित करता है, यानी आपकी एक पहचान देता है कि आपकी पहचान क्या है वहाँ पे, डिजिटल आप हस्ताक्षर करते हो तो वहाँ पे, ठीक है, तो आपको मेन यहाँ पे ये याद रखना है कि डिजिटल हस्ताक्षर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक होके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा। निम्न में कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत डिजिटल हस्ताक्षर है, यहाँ पे देखो डिजिटल हस्ताक्षर तो वो किसके अंदर है, राज ई साइन के अंदर है, किसके अंदर, राज ई साइन के अंदर, ध्यान में रखना राज ई साइन,
आपकी यूनिट नंबर 7 से उठा हुआ क्वेश्चन है, राज ई साइन, राज ई साइन, राज ई वॉलेट, ठीक है, एक ई वॉलेट सीधा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको राज ई वॉलेट बता दिया था, यहाँ पे है राज ई साइन है, ठीक है, यानी सिग्नेचर किसके अंदर किया जाता है, तो राज ई साइन है, कौन सा है, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत यानी प्रमाणित है वहाँ से, कौन सा है, राज ई साइन, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षर सुविधा प्रदान करने के लिए राज ई साइन को किसके साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो किसके साथ जोड़ा गया है, जो आपके राज ई साइन है ना उसको किसके साथ जोड़ा गया है, तो वो किसके साथ जोड़ा गया है, राज ई वॉलेट के साथ जोड़ा गया है, जो मैंने आपको पहले वर्णन किया था कि एक तो है आपके राज ई वॉलेट, ठीक है, क्या होगा, राज ई वॉलेट, पहले अब आपको मैंने थोड़ा इसका वर्णन किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपके राज ई साइन को किसके साथ जोड़ा गया, क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आपको तो आप क्या दोगे कि किसके साथ जोड़ा गया है, राज ई वॉलेट के साथ जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। चुनावी रोल में बदलाव सुधार करने के लिए किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अगर आपको चुनाव के अंदर कुछ बदलाव या सुधार करना है तो वो उसके अंदर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो फॉर्म है आपके फॉर्म नंबर 8, ठीक है, याद रखना कौन सा, फॉर्म नंबर 8, ये देखो आपका करेक्ट आंसर उत्तर के अंदर फॉर्म नंबर 8 दे रखा है, ओके दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा एलपीजी का, देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एक है लेकिन दो बना रहा हूँ मैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम, सेवा प्रदाता नहीं है, आपकी जो एलपीजी गैस है उसकी सेवा कौन कौन आपको प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता है, तो आपको एक प्रोवाइड करवाता है इंडियन गैस, एक एचपी गैस, एक आपके भारत गैस, तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा गैस, क्योंकि टाटा कोई गैस नहीं है, गैस की कंपनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के भुगतान का कौन सा माध्यम चुन सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन सिलेंडर बुक करना है तो आपको वहाँ पे भुगतान करने का जो पेमेंट का जो सिस्टम होता है वो आप कैसे कर सकते हो या माध्यम कैसे चुन सकते हो, तो आप दोनों चुन सकते हो, एक तो पे ऑनलाइन कर सकते हो, एक कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हो, सेम है जैसे मान लो आपने ऑनलाइन सामान मंगाया फ्लिपकार्ट से, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो आपने जो भी सामान या जो भी प्रोडक्ट मंगाया है उसके आप पैसे पहले भी पे कर सकते हो, और आपका सामान आने के बाद कैश ऑन डिलीवरी, पहले आप सामान लो फिर पैसे दो, यानी दोनों ए और बे दोनों। क्वेश्चन को दोस्तों सही तरीके से पढ़ लेना, आपकी उसका आंसर है वो आपको अपना आप आ जाएगा। आप क्या करते हो, आप बड़ी मिस्टेक ये करते हो कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ते नहीं हो और सीधा आप देख के आंसर देखते हो कि इसके अंदर करेक्ट आंसर ये होगा, फिर आप घर पे आके पेपर देखते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं और है कि अंदर हमने क्या कर दी, गलती कर दी। सिर्फ कितना सा होता है, नहीं और है, निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आप पिछले वाला इतना पढ़ते नहीं हो और आपका पूरा का पूरा जो आंसर होता है वो पीछे की साइड छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, एलपीजी सिलेंडर के लिए भुगतान की पुष्टि होने के बाद आपका रिफिल बुक हो गया है, इसके लिए पुष्टि संदेश कैसे प्राप्त होता है, ये दोस्तों देखो छोटी सी बात पूछी है इसने लेकिन थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दे दिया, एकदम छोटी सी बात है। मान लो आपने सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर जो लिया है उसका आपने एक बुक कर लिया सिलेंडर, उसका आपको एसएमएस यानी मैसेज या संदेश आपको किस पे होगा या किस पे आपको एसएमएस प्राप्त होगा, तो एक तो जो आपने मोबाइल नंबर ऐड करवा रखे हैं होगे सिलेंडर बुक के अंदर, जो आपको एलपीजी जो सिलेंडर है उसके जो आपकी एक बुक होती है उसके अंदर जो नंबर आपने ऐड करवा रखे हैं उस पे एसएमएस आएगा, या आपने जीमेल आईडी या ईमेल आईडी दे रखी होगी उसके ऊपर एसएमएस प्राप्त होगा, तो आपको ए और बे दोनों करने होंगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये देखो एकदम अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर एकदम दसों तरीके से हम 85 से ऊपर जाएंगे अब की बार, ठीक है दोस्तों। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए किस माध्यम का उपयोग करते हैं या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए किस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, किस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक तो है ऑनलाइन, एक मोबाइल ऐप है, एक अवीर्स, और इसके अंदर होगा आपके उपरोक्त सभी, क्या होगा उपरोक्त सभी, क्या होगा उपरोक्त सभी होगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों।
सिलेंडर बुकिंग में ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग किया जाता है या कर सकते हैं? सिलेंडर बुकिंग में ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? सिलेंडर अगर आपको बुक करना है तो ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, यानी उपरोक्त सभी यानी इन तीनों से आप पेमेंट को पे कर सकते हो, अपने जो पैसे हैं वो एलपीजी के आप दे सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। दोस्तों आपके आप रेगुलरली यूज करते हो और आपके जस्ट आगे जैसे आप स्क्रीन चलाते हो तो स्क्रीन के जस्ट ऊपर की साइड ये फोल्डर आपको मिलता है, वो कौन सा है? देखो, मोबाइल में ऐप का प्रबंधन करने, मेमोरी का प्रबंधन करने, फाइलों को जल्दी और आसानी से देखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो देखो दोस्तों, छोटी सी बात है, किसका उपयोग किया जाता है? फाइल मैनेजर का। आप जैसे ही फोन को चलाते हो या आप स्क्रीन को जैसे ही ओपन करते हो तो आपको जस्ट एक कोने के अंदर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है या फोल्डर मिल जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको फाइल मैनेजर के अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज़ अगर खोजनी है, आपको अगर डॉक्यूमेंट कोई खोजने हैं तो आप फाइल मैनेजर पे जाओ और डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पे क्लिक करके तुरंत आप जो भी पीडीएफ ओपन करना चाहते हो वो वहाँ से ओपन हो जाती है। जो भी आप सॉन्ग देखना चाहते हो या वीडियो देखना चाहते हो तो वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइल मैनेजर के अंदर। ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत है। कौन सा ऐप नागरिकों को मुद्दे को हल करने का समाधान प्राप्त करता है? मान लो कोई भी मुद्दा है, ठीक है दोस्तों, उसका हल करता है, कौन सा ऐप है वो? वो आपके है राज संपर्क, यानी राजस्थान संपर्क ऐप। कौन सा है? राजस्थान संपर्क ऐप यानी राज संपर्क। ठीक है दोस्तों, मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हो या अपने न्याय के लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स है यानी सभी को निःशुल्क मोबाइल ओएस है? तो वो आपके कौन सा हो गया? एंड्रॉइड। आप नया मोबाइल लेके आते हो उसके अंदर आपको क्या मिलता है? एंड्रॉइड मिलता है, जो हम यूज़ करते हैं स्क्रीन, तो वो जो एक जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड बोलते हैं। तो ये हमको निःशुल्क मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा एंड्रॉइड होगा। विंडो है ये आपको मिलेगा किसके अंदर? कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। किसके अंदर? कंप्यूटर या आईओएस भी किसके अंदर मिलेगा आपको? कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। लिनक्स ओएस है यह भी आप किसको मिलेगा? कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर। लिनक्स आपके क्या है? लैंग्वेज भी है। क्या है? लैंग्वेज भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो, फॉर्मेट है जो पेंटर होता है उस पर क्लिक करते हो तो माउस पॉइंट के आकार का हो जाता है। तो मान लो आप पावर पॉइंट में जाते हो तो पावर पॉइंट में जाने के बाद आप जैसे फॉर्मेट पेंटर जो आइकन होता है उस पर क्लिक करते हो तो जो आपका माउस का आइकन है वो किसका बन जाता है? वो आपके बन जाता है माउस यानी पेंट ब्रश का। किसका किस आकार है? यानी पेंट ब्रश का आकार दे देता है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखो करेक्ट आंसर ए। ठीक है, पेंट ब्रश, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या या डॉक्यूमेंट संबंधित सूचना देने के लिए होता है? संख्या डॉक्यूमेंट संबंधित सूचना किसके अंदर होता है? वो होता है आपके हेडर एंड फुटर के अंदर, क्योंकि हेडर एंड फुटर क्या करता है, मान लो ये पेज है एक, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर की दो लाइनें हो गई, फिर ये एक एक लाइनें हो गई, ये आपका पेज हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? हेडर। और नीचे वाला क्या हो गया? फुटर। तो ये क्या करते हैं, आपको सूचना देते हैं। ऊपर नीचे की साइड होता है टीचर सिग्नेचर और हेडर के ऊपर की साइड होता है डेट और पेज नंबर। ठीक है दोस्तों, दस्तावेज में हेडर एंड फुटर, देखो दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? मान लो आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो या वर्ड के अंदर पेज डिजाइन कर रहे हो या हेडर फुटर दे रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मूल उद्देश्य यह है कि मुद्रित होने पर हेडर और फुटर पेज पर दिखाई देने लगते हैं, यानी आपको उसको अगर प्रिंट देते हो तो उसको आपको कहाँ पे मिलते हैं? वो आपकी कॉपी की डिजाइन पे मिलते हैं, यानी एकदम पूरे अपने आकार से मिलते हैं आपको।
हेडर और फुटर, ठीक है। तो मुद्रित होने पर हेडर और फुटर पेज पर दिखाई देने लगते हैं, तो आपको पेज पर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, किस कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं, यानी पूर्व परिभाषित टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट, आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो वर्ड के अंदर या किसी और के अंदर, तो वो क्या होता है आपके ऑटो टेक्स्ट होता है। क्या होता है? ऑटो टेक्स्ट, यानी मान लो आपने वर्ड के अंदर आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा या कोई लेटर बनाया टेक्स्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या किया, कंट्रोल है, कंट्रोल ए करते हो, कंट्रोल प्लस ए, तो ये कौन सी कमांड होती है, सेलेक्ट करने की कमांड होती है। यानी आपने पूरा एक लेटर डिजाइन कर दिया, उसको एक पूरा आपको सेलेक्ट करना है, यानी एक साथ सुनना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए का उपयोग कर सकते हो। तो वहाँ पे कंट्रोल ए करने के बाद में क्या होता है, जैसे आप कंट्रोल ए करते हो सेलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल वी करते हो तो वो पेस्ट हो जाता है। यानी ऑटो सेलेक्ट अगर आप कमांड देना चाहते हो तो वो भी आप अलग से दे सकते हो, ऑटो जो ऑटो टेक्स होता है वहाँ पे जाके, ठीक है। विशेष प्रकार के चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, अगर आपको विशेष प्रकार का कोई चिन्ह इंसर्ट करना होता है वो आपके सिंबल में होता है। आप जैसे ही जाओगे, मान लो इंसर्ट में वर्ड के अंदर जाते हो, पावर पॉइंट के अंदर जाते हो या एक्सेल के अंदर जाते हो, तो आपको वो किसके अंदर मिलेगा, सिंबल के अंदर मिलेगा। क्या मिलेगा, विशेष प्रकार का कोई चिन्ह, कोई भी आपको विशेष प्रकार कोई डिजाइन देनी है वो किसके अंदर मिलती है आपको, एक्सेल या आप इन जाओगे फॉर्मेट में जाते हो आप, ठीक है, तो फॉर्मेट में मिल जाता है या आपको मिल जाता है इंसर्ट के अंदर, किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर, ठीक है, इनके अंदर लास्ट के अंदर मिलता है सिंबल का ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। विशेष प्रकार के चिन्ह को एडिट करने के लिए वर्ड विंडो के रूलर बार पर स्थित टैब स्टॉप मेकर को हटा सकते हैं, टैब स्टॉप मेकर, ये चीज़ एक ध्यान में रखना। यानी क्या होता है ये होता है, देखो आपके टैब मार्कर पर दायां बटन क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करें को हटा सकते हैं। आपने मान लो लोगो डिज़ाइन कर दिया, एक मान लो ये आपने एक लोगो बना दिया, इसके अंदर पूरा नाम डिज़ाइन कर दिया, इसके अंदर नीचे भी डिज़ाइन बना दी, ठीक है दोस्तों। तो मान लो अगर आपको ये अंदर वाला नाम है कौन सा, मैं इसका कलर चेंज करके बता देता हूँ, मान लो ये वाला है, इसका अगर आपको नाम का कलर चेंज करना है या डिलीट करना है, तो आपको डिलीट करना है तो इसके ऊपर क्या करते हो, राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद में नाम आता है कट का, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, कट का, तो आप उसको कट कर सकते हो यानी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखना आपने, टेब के मार्कर और ड्रैग करके रूलर के बाहर जा ले जाकर, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टेब मार्कर को ड्रैग करके रूलर के बाहर ले जाकर। अगर मान लो इसके अंदर आपने चेंजिंग कर दी, कट करना है तो कट भी कर सकते हो। अगर आप ये बार वाला जो आपने लिया है इसको अगर आपको कहीं और ले जाना है, तो आप इसको लेफ्ट वाला है जो बटन होता है उसको दबा के आप इसको साइड में ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यानी एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो, उठा सकते हो उसको, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आपका आज का लास्ट टॉपिक, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है यानी 35 वाला, ठीक है दोस्तों। तो देखो, डेटा को आसानी से समझने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करके उसे वर्ड शीट में व्यवस्थित कर सकते हैं। डेटा को आसानी से समझने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करके उसे वर्कशीट, आप मान लो कोई भी वर्ड के अंदर शीट बना रहे हो तो वो किसके अंदर होगा, आपके ऑटो फॉर्मेटिंग होगा, स्टाइल लागू करना होगा, फॉन्ट बदलना होगा। मान लो आप स्टूडेंट अटेंडेंस शीट बना रहे हो इस प्रकार से, ठीक है, और आपने ये नीचे पूरी की पूरी आपने टेबल बना दी एक, ठीक है दोस्तों। आपने यहाँ पे नाम लिख दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपने कोचिंग का लोगो लगा दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया कब आता है स्टूडेंट, कब जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आपने यहाँ पे लिख दी। तो जैसे ही आप वहाँ पे करते हो तो इसके अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हो, कौन सी डिज़ाइन कर सकते हो कि इसके अंदर ऑटो फॉर्मेटिंग, अगर आपको ऑटो कुछ चेंज करनी है तो वो आप भी चेंज कर सकते हो। स्टाइल लागू करना, इसके अंदर अगर आपको स्टाइल लागू करनी है कोई भी, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर लागू कर सकते हो। फॉन्ट को बदलना, अपने अंदर जो भी नाम लिख रखे हैं उनकी स्टाइल अगर चेंज करनी हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, वो भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी YouTube चैनल को लाइक करना ना भूले, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि आपको ऐसे ही RSET के रिलेटेड क्वेश्चन और मिलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो
तो आपको प्रैक्टिकल भी हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। अगर थोरी सीखनी है तो थोरी के भी आपको बहुत सारी वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आई हो तो आप नो टेंशन, एकदम फ्री होके आप कमेंट करके हमें बताइए कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम आपके 100% आपको कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत दोस्तों।